और उसके बाद भी जो धर्म के लोग आए जिन्होंने धर्म वाकई में चाहा कि दुनिया में बसाया जाए, उनका चित्त ज्यादा धर्म पे था कि लोग स्वच्छ हो जाएं, पवित्र हो जाएं और उनको ऐसी दशा में चले जाएं कि कल जब उनका उद्धार होने का समय आएगा उस वक्त वो साफ हो जाए। इसलिए उन्होंने धर्म की ओर ज्यादा ध्यान दिया कि लोगों के धर्म कैसे ठीक करेंगे। जैसे मोसेस वगैरह इनको 10 आज्ञाएं कमांडमेंट्स मिली, ये सब इसलिए कि लोगों में एक तरह से वो स्थिति आ जाए कि जिससे वो अपना आत्म साक्षात्कार आसानी से प्राप्त करें। हमारे यहाँ भी गुरु नानक आदि इतने बड़े बड़े गुरु हो गए हैं, उन्होंने यही मेहनत की कि मनुष्य जो है वो धर्म पे कम से कम जमा रहे, माने उसमें बैलेंस रहे, माने उसके अंदर शुद्ध विचार हो और वो पाप पुण्य में पुण्य ही देखता है। श्री गणेश का कार्य और तरह का। श्री गणेश अपनी शक्ति से ही स्वच्छ करते, उनकी शक्ति सबसे बड़ी है जिसे कहते हैं अबोधिता माने इनोसेंस। उनके सर पे जो हाथी का सर है इसका मतलब ये है कि वो मनुष्य जैसे उनके अंदर ईगो और सुपर ईगो नहीं है और वो बच्चे इसको कहना चाहिए इटर्नल चाइल्ड। और उनका अवतरण इस संसार में जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह के नाम से हो। अब इसकी हम लोगों ने साइंस से हर प्रकार का अनुमान लगा लिया। वो ऐसे कि मैंने कहा था कि श्री गणेश एक शक्ति है, निराकार में और साकार में वो श्री गणेश जैसे दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ अगर भूलापन हो, सादगी हो, सरलता हो, निष्पाप हो, ऐसे निर्मल अंतःकरण के अंदर श्री गणेश की जागृति हो गई। श्री गणेश के बगैर तो कुंडलिनी चढ़ नहीं सकती, क्योंकि कुंडलिनी ये गौरी है और उस गौरी को पूरी तरह से उत्थान करने के श्री गणेश उसके साथ हर समय उसे संरक्षित रखते। इतना ही नहीं, हर चक्र को जब कुंडलिनी चढ़ जाती है तो उसके मुख को बंद करके कुंडलिनी को नीचे उतरने से रोकते हैं। अब ये श्री गणेश हमारे अंदर मूलाधार पर बैठे, इसी में बहुत लोगों ने गलती कर दी कि मूलाधार चक्र जो है वो त्रिकोणाकार अस्थि है। ये बहुत बड़ी गलती है। मूलाधार में सिर्फ कुंडलिनी है और मूलाधार से नीचे मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र उस पर श्री गणेश बसते हैं। और उनके कार्य क्या क्या हैं ये तो आप लोग सब जानते हैं। आपने हमारे फोटो देखे हैं कि हमारे पीछे श्री गणेश खड़े हैं और हमारे ऊपर भी श्री गणेश। इसी प्रकार हर देवता के लिए हो सकता है, लेकिन श्री गणेश की शक्ति जो पवित्रता की है, मैं जरूर कहूंगी कि हिंदुस्तान में इसके मामले में सब लोग जानते हैं
कि हमको पवित्र रहना चाहिए, परदेश में नहीं। परदेशियों को तो पहले मेक्ष कहते थे, पंडित को मल की ही इच्छा है, और श्री गणेश निर्मल है, हिंदुस्तानियों में निर्मलता की इच्छा बहुत है, और अगर नहीं भी हो तो भी कम से कम इसका ढोंग तो करते हैं, इसी ढोंगी परा से कम ये फायदा है कि एक मनुष्य में जो खराबियां है वो ढोंगी हुआ है तो उसकी खराबियां समाज में नहीं फैलती, लेकिन विदेश में तो वो सोचते हैं कि जो ये खराबियां है ये तो बड़ा भारी कोई हम आवाहन लिए हुए हैं और बड़ा भारी हम कार्य कर रहे सो खराबियों को अच्छा मान लेना या उसमें हम कुछ बड़ा भारी एडवेंचर कर रहे हैं ऐसे समझ करके उसमें रत रहना, ये हम लोगों के हिसाब से तो बेवकूफी। लेकिन अगर आप अमेरिका जाएं तो आप पता हो जाएगा कि वहां गणेश जी है ही नहीं लोगों में, माने ये कि वो विचार ही नहीं रहता। अब जब उसके दुष्परिणाम दिखाने लगे, जब उसका नुकसान दिखाने लगे, तब वो सोचते हैं कि नहीं हमें तो निष्पाप होना चाहिए और हमें सफाई रखनी चाहिए आदि बातें करते, पर उसका अब असर वहां नहीं है। सहजों के सिवा वो लोग नहीं बदल सकते, लेकिन आप लोगों के पास भी ये संपत्ति है। अगर वहां के लोगों को देखा जाए तो उसके मुकाबले में यहां भी बहुत से लोग हैं जो गंदे रास्ते पर चलते हैं, गंदे काम करते हैं, पक्षपात करते हैं खुलेआम, मतलब वो जानते हैं कि इस चीज से समाज हमारी प्रशंसा नहीं करेगा बल्कि और हमें दूर रखेगा। विशेषकर जो लोग बाहर होके आए हैं उनमें ये दोष पाया जाता है, बड़े चरित्रहीन होते हैं और इस चरित्रहीनता को वो बड़े भारी अपनी कमाल समझते हैं और सोचते हैं कि इसमें तो खास हम कोई तो भी बहुत सुंदर हैं या हमारे अंदर कोई तो भी विशेषता है, इस प्रकार का आरोपण करके अपने को बहुत ऊंचा समझने लग जाता। अबोधिता की जो शक्ति है वो ये कि सबसे बड़ी शक्ति ये है कि वो अबोध है, माने ये कि उसके अंदर किसी भी तरह की खराबी कोई किलेश उसके अंदर दिमाग में नहीं, वो बिल्कुल साफ सुथरा इंसान है। ईसा मसीह ने कहा था कि जब तुम्हारे उत्थान का समय आएगा तब तुम बच्चों जैसे हो जाओ, उस वक्त और भी शक्तियां जो गणेश जी की है वो छोड़ करके वो सिर्फ आप में वो अबोधिता भर देते हैं जिसके सहारे आप अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। अब किसी बुद्धिमान मनुष्य से बात करें जो बुद्धि पुरस्सर है वो यही नहीं समझ पाता कि गणेश जी ही कैसे हमारे देवता है। तो समझाने की बात ऐसी है कि जब तक आप सूक्ष्म नहीं उतरेंगे आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके अंदर ये सब देवताएं हैं। श्री गणेश के चार हाथ है, मैंने बताया था कि कार्बन एटम के भी चार, उसकी भी चार वैलेंसीज, इनके भी चार हाथ है,
निराकार में जब आप उनको लेफ्ट साइड में देखते हैं तो आपको वो स्वस्तिक के रूप में दिखाई देते हैं। कार्बन एटम को मैंने कहा कि उसका फोटो उतार के और उसके तीन एंगल से आप फोटो लीजिए। फिर आप जब राइट साइड में उसे देखते हैं तो वो ओंकार दिखाई देते हैं, बहुत से ओंकार, जितने कार्बन एटम है वो ओंकार 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 ऐसे दिखाई देते हैं। और नीचे से ऊपर की तरफ देखे तो जो ग्रीक में अल्फा और ओमेगा जो दो संकेत इस्तेमाल होते हैं वो दिखाई देते। ईसा मसीह ने कहा था मैं अल्फा और ओमेगा, अल्फा मैंने शुरुआत और ओमेगा मैंने अंत, और उसके जो सिंबल्स बने हुए हैं वही सिंबल्स आपको बिल्कुल दिखाई देंगे। इन्होंने इस पर काम किया। मैं जो कुछ कहती हूँ उस पर विदेश में लोग एकदम बड़े जोर से लग करके उसका पता लगाते। तो उन्होंने देखा कि जब ये कार्बन एटम का उन्होंने फोटो लिया तीन एंगल से तो बराबर ये तीनों चीजें मिली। अब इससे सिद्ध हो गया कि ईसा मसीह जो थे जो अल्फा और ओमेगा बन गए वही श्री गणेश, वही ओंकार और वही स्वस्तिक।